अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब कर खैरियत से? अच्छा, आज हम अपने एक्सेल के लेक्चर पे जाएंगे, दूसरे लेक्चर पर। कल हमने एक्सेल की कुछ बेसिक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें कितनी रोज, कितने कॉलम्स होते हैं, और उसकी बेसिक्स आपको बताई थी कि एक्सेल में इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है जब आप काम कर रहे होते हैं। तो उस वक्त आपका सेल क्या है, सेल एड्रेस क्या है, ठीक है ना, और किस तरीके से आप उनको इंगेज करते हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा था इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स होते हैं। तो ये देखें, मैंने सामने ये स्क्रीन आपके सामने, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि इसमें कितनी रोज और कितने। तो मैंने थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि जो आपके 2007 से लेके 2013 और उसके अबव जो इतने वर्जन हैं, उसमें जो आपके कॉलम्स की तरह थी, वो ए से लेके एक्स से बी तक 16384 और जो पुराने वर्जन से 97 से लेके 2003 में, उसमें आई वी तक थी। तो आई वी तक बनती है 256 कॉलम। तो यहाँ पर लिमिटेशन थी, लेकिन यहाँ देखें 16,000 में चली गई ये चीज़ें, ठीक है। इसमें रॉस की तादाद जो है हमारे पुराने वर्जन में थी 65,536 और इसमें हमारी 148,576, जबकि नंबर ऑफ़ शीट्स जो हैं वो 255 ही हैं इसमें भी और इसमें भी। इसके एक बेसिक रीज़न है, लेकिन अभी उस पर हम नहीं जाते, ठीक है। फिर जब कोई एक लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे जो सिस्टम से रिलेटेड होगा, तो उस वक्त फिर हम आपको चीज़ें बता देंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि 255 का क्या मकसद है, ठीक है। अच्छा, अब हम आज अपनी एक दूसरी शीट पे जाते हैं, जिसमें कि हम अपने बेसिक सारे एक्सेल की शीट बनाएंगे और उसकी मैनेजमेंट आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम लेक्चर अपना जो 2 है, बल्कि अब 3 होगा, वो तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, फिर इसके बाद ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2, तो उसको हम लेके चलते हैं। तो मैं ज़रा कॉर्नर पे हो जाऊँ ताकि आपको स्क्रीन पूरा नज़र आए। इस्लाम ये ले, ये हम कॉर्नर पे हो गए। अब आपकी जो सेकंड शीट है, अब आई थिंक सो कि इस पर तो आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो आप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही रही हैं कि जी कौन सी चीज़ किस तरीके से चल रही है। तो अब हम जो है वो आपके सेकेंड शीट पर जाते हैं, और सेकंड शीट पे जा करके हम अपने काम को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो हमारी शीट थी, इसका नाम रखते हैं, इसका नाम हम क्या रखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो उसको हम डबल क्लिक करके और इस पर हम डाल देते हैं नाम इंट्रोडक्शन। तो आई एन इस पर हमने नाम इसका दे दिया, नेम जो शीट का है इंट्रो, ठीक है, इंट्रो की शीट है ये हमारी, इसके हमने नेम चेंज कर दिया। इसके बाद इस पर हम जाइए और इसको हम नाम रखेंगे जी बेसिक शीट, ठीक है जी। इसमें हमने आपकी बेसिक शीट है, जिसमें कि हम आपकी चीज़ों को डिस्कस करें। अब क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, ज़रा वो देखें। मैं ज़रा इसको आपको उसका बैकग्राउंड बता दूं कि हम किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम जो इसमें अपना काम करेंगे, वो हम ये काम करेंगे, इसमें हम एक्चुअली इसको ज़रा ओवरव्यू आप देख लें, तो उसके बाद फिर उसको बनाना शुरू करते हैं, फिर इस पर क्या क्या चीज़ें अप्लाई होंगी वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपकी जो बेसिक शीट है, इसमें हमने ये किया हुआ है कि यहाँ देखें, आपको सारे कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच सब नज़र आ रहे हैं। तो पहली चीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा कि आप बी वाले कॉलम में डेटा को यानी स्टार्ट करेंगे टाइप करना, और यहाँ से देखें ये आपके, ये आपका सारी शीट हमने बनाई। इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमने सारे बेसिक जो मैथमेटिकल फंक्शन हैं उनको हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम V1, V2 और V3 ये 3 वैल्यूज़ हैं, V1, V2, V3, इसका हमने टोटल निकालना है, इसकी फिर हमने परसेंटेज निकालनी है, फिर हमने हम कहते हैं कि V1 को प्लस करें V2 से, यानी 100 को प्लस करें 74 से। V1 मींस कि आपको सेल का यानी जो ऊपर हेडिंग है वो हम बता रहे हैं कि V1 को V2 से प्लस करें, यानी 100 को 74 से प्लस करें, फिर V1 को V2 से माइनस करें, यानी 100 को आप 74 से माइनस करें, फिर आप ये देखें कि V1 को V2 से मल्टीप्लाई करें, फिर V1 को V2 से डिवाइड करें, फिर V1 को मल्टीप्लाई करें V2 से और डिवाइड करें 2 से। इसमें हमने 2 ऑपरेटर यूज़ किए हैं, ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ की है और हमने इसमें डिवीजन भी यूज़ किया है। और यहाँ देखें V1 का हमने निकाला है 2%, यानी 2% कमीशन, V1 का 2% मीन 100 का 2% कमीशन है, कितना निकलेगा, 2 रुपीज़। अच्छा, अब इसमें हमने पूरी शीट में जो बात की है वो की है V1 और V2 की, टोटल निकाल लिया कैसे निकलेगा ये बताएंगे, परसेंटेज निकाल ली कैसे निकलेगी ये बताएंगे, V1 V2 कैसे है, V1 माइनस V2 कैसे,
वी वन मल्टीप्लाई बाई वी टू कैसे, वी वन डिवाइड बाई वी टू कैसे, और फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कैसे यूज़ होंगे, और फिर हमने कहा वी वन मल्टीप्लाई बाई 2% कैसे आएगा, फिर हमने कहा जो टोटल है, टोटल मीन्स ये जो 239 है, क्या इस आंसर में जो हमने 239 हमने गेट किया है, कैसे गेट किया है, वी वन वी टू वी थ्री से हमने टोटल निकाला है, 174 65 का टोटल निकला है 239। तो 239 जो है हमारा, वो हमारा हमने प्लस किया इसमें, यानी 239 के अंदर हमने क्या प्लस किया, 65। तो 239 में जब 65 प्लस होगा तो आंसर क्या आएगा। इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन में जो आंसर आएगा उसको मज़ीद आप किसी और वैल्यूज़ के साथ यानी मज़ीद किसी और वैल्यू के साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने 239 को 65 के साथ क्या किया, प्लस किया, तो आंसर आया 304। ठीक है, तो ये हमारी एक शीट है जिसके ऊपर के हम ये बेसिक सारा काम करेंगे। तो आप तमाम के तमाम व्यूवर्स जितने भी इसको देख रहे हैं, वो तमाम के तमाम अपने जो पॉइंटर है उसको बी नंबर कॉलम पे ले आइए, और 5 नंबर कॉलम के ऊपर आप जाके हेडिंग डालेंगे, यानी B5 के ऊपर डलेगा आईडी नंबर, और C5 पे डलेगा नेम, फिर D5 पे डलेगा क्या डलेगा, D5 पे डलेगा V1। ये देखें, ये रहा D5 लिखा हुआ, ये देखें D5 लिखा हुआ, जहाँ मेरा माउस में मूव कर रहा हूँ। फिर इस तरह से E5 F5 G5 H5 I5 J5 K5 L5 N5 M5 N5 O5 याद रखें। और जो हमने रोल नंबर लिखा है, आईडी नंबर जो लिखा है हमने, आईडी नंबर 10, उसका नाम क्या है, नोमान। ठीक है, तो आईडी नंबर 10 यहाँ लिखा और उसका नाम लिखा हमने नोमान। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसको बड़े गौर से, ये जो हमारा जो लेक्चर अभी चल रहा है इसको बहुत गौर से, ये फाउंडेशन लेक्चर हैं, इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ये हर शख्स जो बेसिक लेवल पे काम कर रहा है या एडवांस लेवल पे काम कर रहा है, उसको फाइल की यानी आपकी शीट की मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। तो शीट की मैनेजमेंट कैसे, इसको हम डिस्कस करेंगे, और इसमें बहुत कुछ है अभी, यानी इसी छोटी सी चीज़ से अगर आप ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे आगे कि हमने इसको किस तरीके से फिर मैनेज करना है। अभी मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि हमने क्या बनाना है। ये मेरे पास पहले से एक शीट बनी हुई है, ये मैं आपको दिखाई भी, अब इसके ऊपर हमने अपनी जो वर्किंग है वो करनी है। अब आगे हम कैसे इसको लेके चलेंगे ये हम आपको बताते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें आपने इनपुट क्या करना है, जो ग्रीन एरिया है सारा ये आपने इनपुट करना है। यानी आप कहते हैं कि आईडी नंबर आप डालेंगे, यानी आईडी नंबर हम बताएंगे, नेम भी हम बताएंगे, V1 की वैल्यू भी हम बताएंगे, V2 की वैल्यू भी हम बताएंगे, V3 की वैल्यू भी हम बताएंगे। यानी ये जो ग्रीन एरिया है, ये सारा का सारा एरिया जो है ग्रीन हेडिंग डाली हुई, ये हमने इनपुट देनी है सारी। और ये जो येलो एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो आपका एरिया है, ये मस्टर्ड कलर का एरिया, इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसमें आप सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ये कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें देगा, यानी एक्सेल हमें प्रोसेस करके देगा। ठीक है, तो इनके पीछे सारे फॉर्मूले लगे हुए फंक्शन जो इस काम को कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि फंक्शंस कैसे इस्तेमाल होते हैं, उनका भी हम इस्तेमाल करना आपको बताएंगे। ये देखें, फंक्शन बेसिक फंक्शन है जो कि हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम एवरेज काउंट, काउंट ए काउंट ब्लैंक काउंट, इससे बड़ा बहुत कुछ काम होता है। ठीक है, और मज़ीद भी हम इसमें आपको जो है वो चीज़ें क्लियर करेंगे, ताकि आपको पहली शीट पे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्सेल में हम कर रहे हैं क्या, एक्सेल में हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो ये शीट मैंने, ये मेरे पास बनी हुई है, इसमें बहुत कुछ है। अब मैं आपको, हम अपने पॉइंटर का काम मूव करते हैं, हम अपने पॉइंटर को मूव करते हैं कहाँ, हम अपने पॉइंटर को मूव करते हैं B5 पर। तो शायद मैं यहाँ पर एक नई शीट क्रिएट कर लूँ, अगर यहाँ बनती है तो ठीक है। अच्छा, ये शीट इंसर्ट नहीं हो रही कहीं इसमें। अब हम एक नई शीट पे B5 पे कहाँ चले जाएंगे, ES पे चले गए। ये तमाम के तमाम लोग काम मूव कर गए, B5 पे मूव कर गए। अब B5 पे मूव करके आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिख रहे हैं आईडी और नंबर, और यहाँ पर क्या रख रहे, यू मूव कर रहे हैं नेम, NAME नेम। ठीक है, और फिर आप यहाँ क्या मूव करें, यहाँ पर करें V1, और फिर आप यूज़ कर रहे हैं V2, एंड देन आप यूज़ करें V3। ये मैं बताते चला जा रहा हूँ क्योंकि आप अभी इनिशियली पहले लेवल पर हैं, तो इसलिए आप चीज़ों को मेरे साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और मैं भी एक ब्लैंक शीट आपके सामने बना करके फिर उसके ऊपर सारा काम करूँगा। फिर इसके बाद हमने हेडिंग डालनी, क्या टोटल की हेडिंग डालनी है, टोटल हमने निकालना है, फिर हमने क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है, फिर हमने क्या करना है, V1 प्लस V2 करना है, फिर हमने करना है V1 माइनस V2 करना है। ठीक है, फिर हम कहते हैं जी V1 मल्टीप्लाई बाय V2, फिर हम करते हैं V1 डिवाइडेड बाय
वी टू ये करते हैं, फिर हम करते हैं वी वन मल्टीप्लाई बाय वी टू डिवाइडेड बाय टू ये कर रहे हैं, फिर हम आगे क्या करें वी वन का क्या करें मल्टीप्लाई बाय 2% 2% कमीशन कैसे निकालेंगे, फिर हम कहते हैं जी टोटल में ये टोटल के अंदर क्या करें प्लस कर रहे हैं वी थ्री, ये हमारे वो काम है जो हमने परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस शीट को इस ए को ज़रा मैं और ज़रा स्लिम कर देता हूँ सर। अब ये आपकी बन गई हेडिंग, इस हेडिंग को आप कर दें बोल्ड, ये देखें इसको हमने कर दिया बोल्ड। ठीक, अब हम यहाँ पर आई डी नंबर्स लिखना शुरू करते हैं, आई डी नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये हमने इस पर आई डी सारी इसमें हमने कोड कर दी। अच्छा अभी मैं डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है, अब डेटा डालने के बाद फिर आप इस पर काम करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम नेम्स लिखना शुरू करते हैं, हमने लिखा जी काशिफ अहमद, ठीक है, और फिर हमने लिखा जावेद, आहा ये अली, ठीक है, फिर हमने लिखा जाहिद सिर्फ लिखा, फिर हमने लिखा अली, एस की वजह क्योंकि बाद में जब हम सॉर्टिंग करेंगे तो यही शीट हमारे काम आएगी, फिर हमने लिखा यासिर अहमद खान, देखिए नाम बड़ा हो गया, फिर हमने लिखा क्या नाम लिखा, हमने लिखा फारूक अहमद, ठीक है, और फिर हमने क्या नाम लिखा, फिर हमने लिखा जनाब ताहिर अली, ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया, फिर 16 हमने नेम डाल दिया। अब यहाँ वी वन की वैल्यू हम डालेंगे, अब वी वन की वैल्यू क्या है देखें ज़रा, ये देखें वी वन की वैल्यू ये हमारी 180, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैं बल्कि तीनों की तीनों कॉपी कर लेता हूँ, सही, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, इसको देखिए हमने कॉपी किया, ये हमारा बेसिक डेटा है, और हमने जा करके अपनी जो हमारी शीट थी इसके ऊपर हमने इसको क्या किया प्लेस कर दिया, ये देखें आ गया हमारा, ठीक, तो ये हमारा बेसिक डेटा है। अब यहाँ देखें कि आपको लग रहा है कि जी ये जो आपके इसको मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ, ये देखें ये आपका डेटा आ गया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ये हमने डेटा जो भी हम कॉपी करके लेके आए, ये आपका डेटा मौजूद है, सही, अच्छा इसमें देखिए नाम आपको लग रहा है कि नाम कट रहा है यहाँ से, एक्चुअली कट नहीं रहा, नाम पूरा है बट हमारा सेल का साइज़ छोटा है, तो देखें यासिर अहमद खान जो था वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है यासिर अहमद खान बट यहाँ पर कट रहा है, तो ये इसको आप सेट कैसे करेंगे, इसको आप यहाँ से या तो इधर से ड्रैग करें, आप इससे भी कर सकते हैं और इसको डबल क्लिक भी करें। अच्छा इस चीज़ को मैं आपको समझाने से पहले एक चीज़ और आपको छोटी सी बता दूँ कि आपके पास जो कर्सर की पोजीशंस होती हैं वो आपकी 4 पोजीशंस होती हैं आपकी, ये तो देखें ये वाला जो कर्सर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्लस साइन जो नज़र आ रहा है, इस कर्सर को हम कहते हैं यानी इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं फ्री, यानी इसका इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं फ्री, ये आपका फ्री है, फ्री कौन सा मतलब ये फ्री है, ये चीज़ फ्री है, तो ये बना लें यानी ये फ्री कर्सर, ठीक है, जब हम पॉइंटर यानी जब काम करते हैं तो ये जो एक्सेल के अंदर जो आपके 4 टाइप कर्सर टाइप्स हैं ये कहलाता है फ्री, और एक होता है कौन सा, एक ये होता है कर्सर, ये देखें प्लस बना हुआ है, ठीक है, ये जो प्लस बना हुआ होता है ये देखें ये हर कॉलम में आपके पास आएगा, ये देखें ये जो प्लस बना हुआ है ना ब्लैक कलर का, ये आपको नज़र जो आ रहा है ब्लैक थिनी सा प्लस बना हुआ है ब्लैक, इसको कहते हैं रिपीट सीक्वेंस, रिपीट रिपीट और सीक्वेंस, इसको कहते हैं रिपीट सीक्वेंस, ठीक है, और तीसरा आपका क्या है कर्सर, ये वाला कर्सर होता है तीसरा वाला, ये वाला, इसके दोनों साइड के ऊपर, इसके दोनों साइड के ऊपर क्या होता है, इसके दोनों साइड के ऊपर क्या होता है आपके पास ये साइन बना होता है, कौन सा साइन, ये एरो का साइन होता है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल, यानी ये आपका ऑपरेशनल कर्सर है, ये ऑपरेशनल कहलाता है, ठीक है, जिसका साइन ये होता है, या इसके दोनों साइड के ऊपर लेफ्ट राइट साइड के ऊपर जो एरो बने होते हैं या फिर इसके अप एंड डाउन साइड के ऊपर एरो बने होते हैं, इसको कहते हैं ऑपरेशनल, और एक कहलाता है फंक्शनल,
फंक्शनल में क्या होता है, अगर मैं कहीं पर कोई ये फर्ज करें कि ये वाला सेल है, मैं इसको अगर हाइड कर देता हूँ, इस जगह पर हम गए और इस जगह पर जाकर के हमने इसको क्या किया, हाइड कर दिया, हाइड क्या किया कॉलम, तो देखें ये जो कर्सर आएगा ना वो ऐसे आएगा, इसके बीच में दो लाइंस होंगी बीच में, ये आप इस तरफ नज़र रखिए व्यूवर्स, ये देखें ये जो साइन बना हुआ आ रहा है इसमें, देख रहे हैं आप दोनों तरफ इसके एरोज हैं और बीच में क्या है, बीच में आपकी दो लाइंस बनी हुई हैं, इनको हम कहते हैं फंक्शनल। ये कौन सा कर्सर कह रहा था, फंक्शनल, जब आपके कॉलम्स बीच में हाइड हम कर देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद एच नहीं है और आए, तो ये यहाँ पर आपको बताएगा कि समथिंग इज हिडन, तो ये वाला कर्सर आपको आइडेंटिफाई करेगा। तो इसको जब हम दोबारा खोलेंगे तो देखें अपनी जगह पर ये चीज़ चली जाएगी, ये देखें दोबारा आ गया, अगर इसमें डेटा होता तो डबल क्लिक से भी ये आ जाता। तो ये चार कर्सर की टाइप होती है, ये फ्री होता है, ये जो इस खाने में देखें ये फ्री, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मूव कर रहा हूँ ये फ्री है, और ये वाली जो चीज़ कहलाती है ये कहलाती है रिपीट सीक्वेंस, और ये वाली जो चीज़ कहलाती है ये कहलाती है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल कौन सा है, ये वाला ऑपरेशनल है, सही है। और फंक्शनल कौन सा होता है, जो मैंने आपको बताया कि दोनों लाइंस बीच में उसकी दोनों तरफ उसके एरो होते हैं, बीच में दो लाइंस होती हैं, तो ये आपकी क्या 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 कहलाती हैं, ये आपकी एक्सेल में कर्सर टाइप्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी टाइप्स हैं, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आपके समझ में आ गई, इसको पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब तीसरी चीज़ में देखें कि यहाँ हमने ये जो इसको जो मैं ड्रैग कर रहा था, इससे क्या हुआ, ये ड्रैग या इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक से ये खुद ब खुद सेट हो जाता है, जितना बड़ा आपका डेटा होता है उसके मुताबिक ये खुद सेट हो जाता है। आपका डेटा देखें यासिर अहमद खान सबसे बड़ा नाम था, तो उसने इसको कैसे सेट किया, ऐसे सेट कर दिया, तो ये आपका कंप्लीट जो है, ये आपका जो एरिया है, ये इस मैक्सिमम जो डेटा साइज है इसके मुताबिक ये सेट हो गया। अगर मैं खान को इसमें से निकाल देता हूँ, ये देखें मैंने इसको निकाल दिया, तो क्या अब आप जब डबल क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा, देखिए, तो ये साइज़ जो मैक्सिमम आ रहा है फारूक अहमद के ऊपर साइज़ सबसे बड़ा आ रहा है, तो मैक्सिमम साइज़ के मुताबिक ये अपने कॉलम को सेट कर लेता है। तो आप क्या करेंगे, इधर जाएंगे, या तो उसको ड्रैग कर लें इस तरह से, या इस तरह से बढ़ा लें घटा लें, देखें मैं इसको इस तरह ड्रैग कर देता हूँ, ये देखें साइज़ बड़ा हो गया, और डबल क्लिक करूँगा तो ख़ुद भी रीएडजस्ट करेगा आपके डेटा के मुताबिक, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। तो आप कौन सा वाला कर्सर इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे ऑपरेशनल, और ये कब इस्तेमाल होता है, ये वाला प्लस वाला साइन, तो ये वाला कर्सर कब इस्तेमाल होता है ये मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के हम बताते जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये तो वैसे ही फ्री है। तो देखें अभी हमने डेटा डाला, आईडी नंबर, नेम, V1, V2, V3, सही, ये हमने इस वक्त इसमें फीड कर दिया। अब हम करते ये हैं कि इसको भी देखें, अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये देखें खुद सेट हो जाएगा, उसको सेंटर में लाना है, इसको ब्लॉक बनाएंगे, और ये आप एमएस वर्ड में भी पढ़ चुके हैं किस तरीके से आप सेंट्रलाइज करते हैं, ये देखें आपका सेट हो गया। और अगर इसको भी आप सेंटर में करना चाहते हैं तो इन तीनों को ब्लॉक बनाएं, और इनको भी आप सेट कर सकते हैं सेंटर में, ये देखें सेंटर, ये देखें आपको डेटा सेंटर हो गया, ठीक। अब यहाँ तक आपके पास जो चीज़ें आ रही हैं, और एक नाम हम और ऐड कर देते हैं 17 पे, इस पर हम ऐड कर देते हैं आपका राशिद अली, ठीक है, ये हमने नाम ऐड कर दिया, राइट। तो देखें ये आपके सारे नाम, ये नेम के साथ आपके ये 10 से लेके 7 नेम्स आ गए आपके, और आपके ये नेम्स आ गए, इसमें जाहिद भी और अली भी है। जाहिद जब हम सॉर्ट करेंगे तो जाहिद नीचे जाएगा, अली सबसे ऊपर आएगा। तो ये देखें हमने इसको सेट किया। अगर इसकी भी हेडिंग को हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लॉक बना लें यहाँ तक, और इसको भी आप सेंटर में कर दें ताकि ये खूबसूरत लगे। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया बेसिक डेटा फिट। अब हमें करनी है कैलकुलेशन, तो हाउ टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे टोटल, कि टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब टोटल कैलकुलेट करने के दो तरीके, पहली चीज़ कि जो भी इक्वेशन आप लिखेंगे, ये याद रखिएगा आपने इसको लिख लीजिए कहीं, कि जब भी कोई इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेशन यूज़ करना शुरू करेंगे आप, तो इट मस्ट बी स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन इज़ अ सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन। एक इक्वल टू साइन क्या है, एक सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जी योर कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी स्टार्ट, आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट हो रही। तो आप हर इक्वेशन, हर कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाइड से पहले, डिवाइड से पहले आप इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। इस इक्वल टू का साइन उसके लिए एक मीनिंगफुल सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो देखें यहाँ मैंने लिखा इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या चीज़ टोटल करना चाहते हैं, आप 100
74 और 65। अगर मैं ये लिखूँगा 100 प्लस 74 प्लस 65 तो आंसर तो आ जाएगा, कल को जब मैं इसमें चेंजिंग करूँगा तो वो अपडेट नहीं होगी, क्योंकि करंट वैल्यू के साथ आपने वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं कि जी आप लिखते हैं जी 100 और फिर आपने लिखा जी प्लस 74 और प्लस 65। तो जब इसका आंसर आएगा तो आंसर देखें इसका आ गया 239। लेकिन अगर कल को मैं यहाँ पर चेंजिंग करता हूँ, मैं 74 की जगह 75 कर देता हूँ तो ये 240 होना चाहिए। देखिए नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ आपने जो इक्वेशन लगाई है वो फिक्स है, फिक्स आपकी कैलकुलेशन है वैल्यूज़ के साथ। तो इसलिए ये हम इस तरीके की चीज़ें यूज़ नहीं करते। पिछली दफ़ा भी मैंने आपको उसमें भी आपको मैंने बताया था, ठीक। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि ये क्या है आपका, ये आपका था 74 ही हम रहने देते जैसे पहले था। तो यहाँ हमने इक्वल टू का साइन लगाया, अब हमें क्या प्लस कर रहे हैं ये, तो ये कौन से नंबर सेल में लिखा हुआ है, D6 में लिखा हुआ है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं और आप क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ डी, ये देखें D6, तो D6 प्लस E6 प्लस F6, ये हम खुद कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर इसको लिखेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको सेल एड्रेस को देखना पड़ेगा। इसका आंसर देखें आ गया 239, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका भी है, इसका दूसरा तरीका क्या है कि मैं इक्वल टू लगा के और मैं डायरेक्ट माउस से अपने जाके इसको इस सेल को क्लिक कर दूं। अब मुझे इसमें ये देखना नहीं पड़ेगा कि इसका सेल एड्रेस क्या है, सेल एड्रेस है D6। मैं इसको भी छोड़ देता हूं, मैं डायरेक्ट जाके 100 को क्लिक करता हूं तो सेल एड्रेस खुद ही देखें इधर कॉपी हो गया। इसके बाद आप प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि आपको एक्सेल को ये तो नहीं पता कि आप प्लस करना चाह रहे हैं माइनस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप खुद उसमें प्लस माइनस को लगा देंगे। फिर आपने कहा क्लिक करें E6, फिर आपने कहा प्लस करो और आपने कहा जी E7, इसको प्लस करो। तो जब तीनों को प्लस कर दिया, एंटर करेंगे तो देखिए आंसर 239 आ गया। अब जब जब आप इसमें चेंजिंग करेंगे, लेट से मैंने 74 की जगह मैंने कर दिया इधर 56, तो देखें वैल्यू आंसर चेंज हो गया, 221 हो गया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जी इधर सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ 10, तो देखें आंसर चेंज हो गया, ये देखें। तो इसी तरीके से आपके जो है ना ये आंसर चेंज होते जाएंगे। तो अब अभी हम 74 लिख देते हैं जैसे कि हमने पहले लिखा था, तो आंसर क्या आया 239। अब देखें अगर आपने इसको अगर आपने एडिट करना हो या आपने इसको व्यू करना हो तो आपके इसके तीन तरीके। एक तो यहाँ से ये फार्मूला बार के अंदर व्यू हो जाता है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप माइनस करना है तो माइनस लिख दें आप, ठीक है। जो आपको एडिटिंग करनी हो आप एडिटिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो ईजी वे है, वो क्या है कि आप यहाँ जाएँ और F2 फंक्शन की यूज़ करें। F2, जैसे आप F2 यूज़ करेंगे तो देखें एडिट के लिए आ जाएगा, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसके आप किसी बाहर आ जाएंगे। और तीसरा तरीका क्या है कि माउस को यहाँ ले जाएं और डबल क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एडिट के लिए आ जाएगा। डबल क्लिक कैसे करना है, आपके पास जो साउंड आएगी डबल क्लिक की, वो किस तरीके से आएगी साउंड आपके पास इस तरह से आएगी, इस तरीके से आप साउंड देंगे, ठीक है। ये देखें साउंड कैसे, इस तरीके से, ठीक। तो आपने डबल क्लिक इसको किया, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे एडिट के लिए आ जाएगा, आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से व्यूअर अगर किसी नाम में मिस्टेक हो जाए, जैसे कि लेट्स से कि आप एक आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी, या आप इसको चाहते हैं कि जी इसके नाम के अंदर जावेद अली नहीं था, जावेद अहमद था, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या यासिर अली था या यासिर अहमद था या मोहम्मद एस, तो आपको या नाम के अंदर मिस्टेक हो जाए, लेट्स यासिर के अंदर फर्ज करें कि इसमें डबल IR आ गया, ठीक है, ये आपकी मिस्टेक हो गई, तो आप इसको चेंज कैसे करेंगे, आप यहाँ जाएंगे इसको डायरेक्ट जाके डबल क्लिक करें या F2 करें या फिर इसको जाके यहाँ से चेंज कर देंगे, देखें, ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। देखें इसको मैंने मिटा दिया, तो ये जैसे मैं इसको रिमूव करूँगा ये देखें नाम इसका सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके जहाँ पर भी नाम में चेंजिंग करनी है, आपको AD लिखना है, ED लिखना है, जो भी आपको चीज़ करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और आप नाम लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ डबल D आ गया, अब एक D मुझे इसमें से रिमूव करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करके कर्सर ले आऊँगा इधर और एक रिमूव कर दूँगा। तो F2 से और डबल क्लिक के साथ फील्ड में हम ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर एडिट के लिए, सही। और डायरेक्ट आप फार्मूला बार से भी जा करके इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो कहीं पर भी कोई एडिट करना हो किसी चीज़ को तो आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके एडिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एडिट करेंगे, फर्स्ट करें कि हम इसके अंदर चाहते हैं कि इसमें ये एक ओ ज़्यादा लग गया है, अब अगर मैं यहाँ पर जा करके इसको इस ओ पे कैसे जाऊंगा मैं,
तो अगर मैं डायरेक्ट कुछ भी लिखूंगा तो देखें ये पूरे वैल्यू पूरी वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको करते हैं डबल क्लिक, डबल क्लिक करके पॉइंटर अपना कर्सर को क्लिक करके वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर हमें एडिटिंग करनी होती है। अगर यहाँ एडिटिंग करनी है यहाँ ले गए, इसको हमने रिमूव कर दिया और आप इसके बाद एंटर कर देंगे या माउस क्लिक कर देंगे बाहर तो ये एडिट हो जाएगा। तो ये एडिट करने का ये तरीका है, इसको भी आप अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, जैसे जैसे हम शीट बनाते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे सामने चीज़ें आती जा रही हैं, हम आपको वैसे वैसे चीज़ें बताते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। फार्मूला क्या था, D6 + E6 + F6। तो ये आंसर इसका आ गया। अब आपको क्या पता चलता है कि इसके पीछे फार्मूला काम कर रहा है या इसके पीछे कोई सिंपल वैल्यू है। जो सिंपल वैल्यू होगी वो देखें ये लिखी हुई है सिंपल वैल्यू। अब इसके पीछे ये देखें 87 ही आ रहा है, तो 87 के पीछे कोई फार्मूला नहीं, 87 के पीछे 87 वैल्यू है। लेकिन ये 239 के पीछे क्या है, 239 के बैकग्राउंड में ये क्या है, आपका फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आप यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और भी इसका तरीके हैं, वो आगे चल के जब शीट हम फिल कर देंगे तो आपको बताएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो फार्मूला लिख दिया वो देखें, ये आपने फार्मूला लिख दिया। अब ये फार्मूले में वैल्यूज कितनी थी, इसमें से तीन थी, D6, E6 और F6। फर्ज करें कि आपके पास 9 या 10 वैल्यूज होती हैं, तो आप लिखते हैं जी D6, E6, F6, G6, I6, J6, K6। ये इतनी बड़ी वैल्यू लिखेंगे जब आप, तो आप लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है कि इसके अंदर के आप ना नहीं लिखें, लेकिन ये एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है शीट के। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी पोजीशन में जहाँ पर वैल्यूज़ हमारे पास ज़्यादा होती हैं, तो हम इसको इस तरह से इस रिदम से नहीं लिखते कि आप इसकी चेन बना दें पूरी कि जी D6, E6, F6, J6, I6, K6। इस तरह से हम करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। तो उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फंक्शन यूज़ करते हैं फिर हम अपने काम को आसान करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसमें एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको वाजे तौर पर जो है यानी आप चीज़ों को समझ सकें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये देखें, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इंगेज करता हूँ और उसके अंदर मैं आपको लिखता हूँ कि जी वैल्यू हमारी क्या थी। हमारी वैल्यू थी, सपोज़ कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वैल्यू थी कि हमारी वैल्यू, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, हमारी वैल्यू थी कि जी हमारी वैल्यू थी D6 + E6 + F6 + J6 + K6 + L6। ये देखें +M6 + N6 + O6 P6 फिर Q6 फिर R6। अगर इस तरह से इतनी सारी वैल्यूज़ को आपने अगर सम करना हो, अगर फर्ज करेंगे इनमें सब में वैल्यूज हो रही है D6 से लेके DEFG ABCDFG, फिर इसको कर दें G, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया F, ये हो गया G, ये अगर फिर आपके पास आ गया H6 + I6 + J6 + ये देखें कितनी वैल्यू है, ये ABCDEFGHIJKLMNOPQR। अगर इतनी बड़ी आपके पास वैल्यू है तो आपको ये देखें, मैं इसको ज़रा लिख देता हूँ बड़ा करके, ठीक है, इसको ज़रा क्लियर हो जाए ताकि चीज़ों को आपको पता लग जाए। अगर इतनी बड़ी रेंज हो तो इस रेंज को अगर ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, अगर इनमें सब में वैल्यूज होती है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इन सबको प्लस करना होता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी ठीक है, लेकिन ये आउट ऑफ एटिकेट्स है, यानी हम इसको ऐसे लिखते नहीं हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर क्या करते हैं कि यहाँ से इस वैल्यू को उठाते हैं, पहली वाली को और आखिरी वाली को, बस ये दो वैल्यूज हम पिक कर लेते हैं। और कैसे लिखते हैं इसको फॉर्मूले को, इसके इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सम का फंक्शन। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, सम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये देखें सम, और क्या लगेगा, इक्वल टू सम, ये हमारा वाइट बोर्ड है एक तरह से, इक्वल टू सम और ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि रेंज स्टार्ट, ये आपकी ये रेंज स्टार्ट डबल डॉट और
रेंज अप टू, यानी स्टार्ट और एंड ये आप इसमें शो करते हैं। ये रेंज, ये आपका हो गया अप टू की रेंज, और ये हो गई रेंज आपकी स्टार्ट रेंज, जिसमें आप अपनी वैल्यू को लिखते हैं, स्टार्ट रेंज और अप टू। और इसके बीच में क्या लगेगा, इसके बीच में ये कोलन का साइन लगेगा, ठीक है, और दोनों तरफ से ब्रैकेट बंद होंगे, कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको लिखते हैं इक्वल टू सम, अच्छा इसको स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें कोई मसला नहीं है, D6 से लेके कोलन R6। तो ये क्या करेगा, D6 से लेके R6 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको ये प्लस कर लेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो आपके क्या होगा, ये आपके दोनों जो है, ये आपकी जो आपके रेंजेस हैं, इनको आपके आपको क्या करेगा, स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज, ये आप रेंज बना देते हैं, ठीक है। तो इस रेंज को ये क्या करेगा, प्लस कर लेगा। तो आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट देना होगा। अच्छा, अब इसमें देखें, यहाँ पर भी हम यही काम करते हैं कि इक्वल टू सम। अब सम में क्या आया, अब सम के अंदर आ गया, ये देखें सम क्या है, इक्वल टू सम। तो आपको कहता है रेंज सेट करें आप इसमें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इक्वल टू सम, ये आपने ब्रैकेट लगाया और आपने इन तीनों को प्लस कर लिया। ये देखें D6 से लेके F6 तक खुद रेंज आ गया। इसमें लास्ट वाला ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप लगाते हैं ठीक है, नहीं लगाते कोई मसला नहीं है। देखें लगा दिया और आपने इसको एंटर कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका, ये आपके आ गया 239। अब देखें वो वाला काम जो था उसमें हमने लिखा था D6 E6 F6, इसमें क्या लिखा, सिर्फ सम का फॉर्मूला, सम का फंक्शन यूज़ किया। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन इज एन एबिलिटी, एक एबिलिटी है फंक्शन जो कि काम कर देती है, उसके बैक पे उसका पूरा एक मेथड स्टोर होता है जिसके थ्रू वो उस काम को आसान कर देती है। तो हमने कहा सम करो इस रेंज से इस रेंज तक, तो देखे सम कर लिया। अगर कभी आपको रेंज चेंज करनी है, लेट से कि आपसे कहता है इसको इनको प्लस करो, तो देखें ये जब तक ये चीज ब्लिंक कर रही है रेंज आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हम कहते हैं इन तीनों को आपने रेंज में ले आए, तो देखें ये जो ब्लिंक कर रहा है एरिया ये इस रेंज में आ गया क्या, D6 से लेके F6 तक। अगर आपसे कोई कहता है नहीं जी ये नहीं करना बल्कि वर्टिकल करना है, तो आप क्या करेंगे, कर्सर को लेके आए 100 पे जाके क्लिक करें और ड्रैग कर लें नीचे की तरफ, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। ये देखें आ गया, अब ये देखें कौन सा एरिया ब्लिंक कर रहा है, ये एरिया ब्लिंक कर रहा है, कौन सी वैल्यू, D6 से लेके और D13 तक, ये आपकी रेंज सेलेक्ट होगी, यानी ये रेंज अब आप प्लस होगी। ये कौन सी रेंज सम होगी, ये रेंज सम होगी। अगर आपको अभी लगता है कि नहीं ये नहीं दोनों रेंज थी, तो कोई मसला नहीं, इस रेंज इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा कि ये ब्लिंक कर रही है। आपने क्या करना है, आपने माउस को लेके जाना है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है या इन दोनों को सिलेक्ट करना है, तो आप इसको जाके क्लिक करेंगे तो ये अब नई रेंज सेट होने जा रही है, और आप माउस छोड़िएगा नहीं और ड्रैग कर दें इसको आगे। ये देखें अब ये E6 से लेके और F13 तक, यानी यहाँ तक आपकी रेंज सेट हो गई। तो इस तरीके से आप रेंज को मॉडिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन। अब देखें अगर मैं इसको कैंसिल करके मैं चाहूँ ये तीनों सेलेक्ट कर लूँ, तो इन तीनों को भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि नहीं ये तीनों नहीं सेलेक्ट करना है बल्कि मुझे ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से आपका सिर्फ, अगर मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूँ, ये देखें मैं उनको सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप कितना इसका आएगा, इस सब का सम आएगा। एंटर करने देखिए सम क्या आ रहा है, इसका 13 and 12 आपका सम आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इसको रेंज को देखना है। अब इसको देखें रेंज मैंने ख़त्म किया, अब मैं इस रेंज को ऐसे कर लेता हूँ, तो क्या होगा आपका, ये देखें आपका सम आ गया 239, ठीक है। और फॉर्मूला क्या लिखा है बैक पे, ये देखें D6 से लेके F6 तक, यहाँ पर भी आ रहा है, F2 से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको आ जाएगा। मैं वो डिटेल में आपको बता रहा हूँ और बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से रिपीट करूँ ताकि आप इसको अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें ये वाली जो चीज़ हमारी जैसी, ये जो हमारी रेंज थी और ये जो हमारी रेंज थी, ये रेंज हमारी जो है दोनों, ये दोनों रेंज हमारी अप टू, अगर कोई आपसे ये कहे, ये तो बेसिक चीज़ है, यहाँ तक तो समझ लें, इसके लिए तो मतलब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब आपको मैं चीज़ समझा रहा हूँ, अगर कोई आपसे ये कहे कि जी इधर से लेके और इधर तक आप प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्लस करेंगे, फिर आप आई जे और के को छोड़ दें, फिर एल से लेके और आप यहाँ तक आप इसका प्लस करें, एल से लेके और एम यहाँ तक आप प्लस करें इसको, ठीक है। अब हमने ये प्लस करना है, और फिर आप इस
ओ को छोड़ दें, पी को छोड़ दें, और सिर्फ इसमें क्यू को प्लस करना है। ये तीन मुख्तलिफ एक ही रेंज में तीन मुख्तलिफ रेंजेस हैं मल्टीपल, जिसमें बीच से हमें कुछ छोड़ना भी है, और लास्ट के अंदर आपका ये वाला आर जो है इसको भी आप छोड़ दें, यानी जो ब्लू एरिया है सिर्फ हमने इसको अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखेंगे, फार्मूला आपका जो इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा, यहाँ देखिए मैं इसको फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या इस्तेमाल करूँ फार्मूला, यहाँ आ गए आप, एंटर किया, ये देखिए हम लिखते हैं इक्वल टू, और इक्वल टू लिख के हम इक्वल टू, और इक्वल टू लिख के हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट इसका बैक कर देते हैं, अच्छा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे सम, और सम लिख के आप क्या करते हैं, अब आपको रेंज बता रहा है वो, अब आप कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज बताएंगे, आप कहेंगे जी डी सिक्स से लेके और कहाँ तक जाए एच सिक्स तक, ये देखिए आ गई, ये डी सिक्स से लेके एच सिक्स तक, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक सम हो गया, कॉमा फिर L6 से लेके N6 तक, अब आप सम नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे L6 से लेके N6 तक, सही, फिर आपने क्या करना है कॉमा, अब क्या करना है Q6, तो आप कहेंगे जी Q6, यहाँ आपका ये आ गया, और आप ब्रैकेट को कर देंगे ओवर, तो इस सूरत में इस पूरी रेंज में से सिर्फ यही हिस्से प्लस होंगे, यानी उस वक्त फिर आप इस तरह से इसको बताएंगे कि इस तरीके से आपको कौन कौन सी चीज़ आपको सम करनी है, तो आप लिखेंगे सम करें ये वाली रेंज, कॉमा देके फिर इसको ड्रैग कर देंगे, फिर कॉमा देके इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये आपके पास सम इन सब का जो है वो आपके पास आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये इसका दूसरा मेथड है, जब आपके पास पूरी एक रेंज में से मुख्तलिफ एरिया को अगर आप सिलेक्ट करना चाहें, जैसे ब्लू कलर के जो एरिया थे आपने इसको सम करना था, तो आप इसको कर सकते हैं, और इस सम के साथ अगर मैं कहूँ ये सारी वैल्यूज प्लस होने के बाद डिवाइड हो जाए टू से, तो ये भी आप कर सकते हैं, इसके इसके आगे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगा सकते हैं, यानी अगर आपको कोई एक है कि जिसके अंदर इन सब वैल्यू के अंदर 1000 रुपीज़ और ऐड कर दो, तो आप क्या करेंगे इसके साथ आप लगा देंगे प्लस 1000, ये देखें इस तरह से लिख देंगे, तो ये कर सकते हैं आप इसमें काम, ठीक। अच्छा तो ये तरीक़ेकार क्या है, ये उस पर फॉलो करेंगे जब आपके पास बड़ी रेंज हो और उसमें से आपने चीज़ों को सिलेक्ट करना, अभी हम उस लेवल पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ अभी बेसिक लेवल पर हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम करेंगे, मैंने इसको आपको साथ बता दिया ताकि ऐसे लोगों के जहन में क्वेश्चन हो कि अगर ज़्यादा रेंज हो और उसमें से हम इस रेंज में से कुछ हिस्सा सिलेक्ट करना चाह रहे हो, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मैंने इसलिए आपको ये चीज़ बता दी है कि ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ हमने इसका देखे सम निकाल लिया, और सम निकाल के हम इसको अगर यहाँ हम चाहते हैं सब पर अप्लाई हो जाए, अभी हमने सिर्फ क्या किया इन तीन वैल्यूज़ का सम निकाला, अगर मैं चाहूँ कि जी ये सारा का सारा सम जो है वो नीचे भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पॉइंटर रखेंगे और देखें इस डॉट के ऊपर, ये डॉट देख रहे हैं, इस पर जब कर्सर लेके जाएंगे तो ये कहलाता है आपका क्या रिपीट सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस का मतलब ये इसके नीचे रिपीट करता हुआ चला जाएगा, तो अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो सिर्फ इतना हिस्सा कैलकुलेशन में आएगा, लेकिन अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें वैल्यू सब के ऊपर ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो प्लेस हो जाएंगी, ये देखें प्लेस हो गई। तो इस तरीके से हमने टोटल निकाला, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि टोटल आप कैसे निकालेंगे, और कहीं पे भी आंसर आप चेंज करते हैं, फर्स्ट करें यहाँ पर कुछ यहाँ 10 की जगह आप कर देते हैं 34, तो आंसर ऑटोमेटिकली एक्सेल में चेंज हो जाता है, ठीक। अच्छा अब हम निकालते हैं, यहाँ तक आपको आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब मैं इसको स्पीड अप से करके स्पीडी करके आपको मैं इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। एक पॉइंट है परसेंटेज का, यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए आप दोबारा इक्वल टू का साइन लगाएंगे, अब आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, अब ये देखें 100 का 100, ये 100 में से, ये भी 100 में से, और ये भी 100 में से, ठीक है ना, ये सब 100 में से, ये तीनों वैल्यूज 100 में से, तो उसका मतलब क्या होगा, इसका सम कितना होगा 300, यानी आउट ऑफ 300 तो हमने टोटल कितना लिया है, कितने हमारे पास ऑप्टेंड है 239, तो हम इसको क्लिक करेंगे, यानी G6 में जो आंसर आया है वो है 239 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 300 क्यों रखा, क्योंकि ये भी 100 है, ये भी 100 है, और ये भी 100 में से ये सारे मार्क्स आपने दिए, तो आप कहते हैं G6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3, ये हमने वो फार्मूला लिखा है जब मैट्रिक क्लास में पढ़ते थे, सीधा सीधा फार्मूला, ठीक है। तो इसको और तरीक़ों से भी लिखा जा सकता है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे G6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 300, एंटर करेंगे तो देखिए आंसर आपके पास आ गया परसेंटेज। अब परसेंटेज में आंसर परसेंटेज में क्या है, 79.6667, ये कितने डेसिमल पॉइंट इसने दिए, इसने 4 डेसिमल पॉइंट दिए,
आप डेसिमल पॉइंट आप कितने पढ़ते हैं बेसिकली, हम डेसिमल पॉइंट पढ़ते हैं टू। तो आप यहाँ से इस आइकन में, ये नंबर वाला जो आपका रिबन है, इसमें से आप इस यहाँ से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो हमें डिक्रीज करने 79.66 चाहिए हमें, तो हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे। देखें ये, देखें डिक्रीज किया, ये डिक्रीज किया, अगर मैं इसको भी डिक्रीज कर दूंगा तो देखें ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप टू डेसिमल लेके और आप क्या करेंगे, यहाँ से सेट कर दी वैल्यू 79.667 और आपने क्या किया, डबल क्लिक कर दिया। जब डबल क्लिक करेंगे तो आंसर आपके पास सारा का सारा आंसर आपके पास आ जाएगा। ये देखिए आ गया 79.6740, ये सब में दो दो डेसिमल आ गए। तो आप क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते। अगर मैं नहीं ये नहीं करता तो हर एक के साथ फोर डेसिमल आते, यानी फोर डेसिमल पॉइंट्स आते, तो हमने टू डेसिमल पॉइंट्स उसमें दे दिए। तो यहाँ तो हम यहाँ तक तो यानी सिंपली हमने यहाँ से हमने डेसिमल को डिक्रीज करना सीखा। और अगर इंक्रीज करने की बात आती है तो इन सब में कोई आपसे कहता है नहीं इसमें तीन डेसिमल लगाएं, तो अब यहाँ से आप उसको इंक्रीज कर देंगे। देखिए इंक्रीज होगा, देखिए ठीक है। तो अमूमन हम उसमें दो डेसिमल लगाते हैं, इसलिए हमने दो डेसिमल पे इसको लगाया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा कि ये जो वैल्यू लिखी है, ये देखें लिखी है 79.67, 41.67, 80.67, 41, 69, 52, 40 और 41.33। अच्छा, इसमें से वैल्यू को ज़रा मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको ये देखें, और यहाँ मैंने कर दिया 37, ये देखें, और इसको हम कर देते हैं 38, ये देखें। तो ये वैल्यू क्या आई, 49.33, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 39, तो देखिए आंसर क्या आएगा, 49.67, ठीक है। तो ये वैल्यू भी ये, अभी मैं इसको यहाँ रखता हूँ कि 49.33। अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि अगर मैं इसको और मज़ीद रिड्यूस करूँगा, तो देखें इसने क्या किया, इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसने इसको 80 कर दिया। तो एक्सेल क्या करते हैं कि एक्सेल के अंदर एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि कोई भी वैल्यू आपकी, अगर वो वैल्यू आपकी 0.5 या 0.50 पे आती है तो उसको फॉरवर्डली राउंड कर देता है। यानी यहाँ देखें क्या वैल्यू थी, 79.67, तो इसने 79.67 को क्या किया, फॉरवर्डली राउंड कर दिया, क्योंकि 50 से ज़्यादा है। तो अगर कोई भी वैल्यू आपकी एक्सेल के अंदर 0.50 या 0.5 होगी तो उसको वो फॉरवर्डली राउंड करेगा, और अगर कोई भी वैल्यू आपकी 0.4 या 0.49 होगी तो उसको वो राउंड नहीं करेगा, बल्कि उसको लोएस्ट नंबर पर राउंड करेगा। ये फॉरवर्ड राउंड कर रहा है उसको, यानी 79 को 80 कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर देखे लगाऊँ, ये लिखा है 79.33, तो जब मैं इसमें से रिड्यूस करूँगा तो उसको 49 ही रहने देगा। देखें तो 49.33 था, तो इसने इसको क्या किया, इसने इसको 49 ही रहने दिया, ठीक है। तो याद रखिए कि एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी आपकी वैल्यू 0.50 या 0.50 से ज़्यादा की वैल्यू होगी, यानी 51, 52, 50, 51, 52, 53, या आपका जो है 0.5 और 0.6, 0.7 अगर आपकी वैल्यू, तो उसको फॉरवर्डली राउंड कर देगा, ठीक है। यानी इसको 79.67 को क्या कर रहा है, 80 कर रहा है। लेकिन अगर कोई वैल्यू भी 49 या 0.4 होगी, ठीक है ना, तो फिर उसको क्या करेगा, लोएस्ट पर राउंड करेगा, यानी इसको फॉरवर्डली राउंड नहीं करेगा, बल्कि उसको उससे नीचे वाले नंबर पर राउंड करेगा। यानी जैसे ये 49.33, तो उसको किस पर राउंड किया, इसको उसने राउंड किया किस पे, 49 पे, ठीक है। तो व्यूअर्स, इस चीज़ को आप ज़रा गौर से सुनिएगा। एक्सेल के अंदर हम फिर कंट्रोल, अगर आप फर्ज करें बैंक में काम करें, तो अगर आप बैंक में काम करें कि किसी का अमाउंट पड़ा हुआ है कि 79.67 मिलियन, तो क्या आप उसको 80 मिलियन कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसी चीज़ों को फिर हम कंट्रोल करते हैं। ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल हमारे पास फंक्शन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मदद से हम चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेते हैं जो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ को हम सेट करते हैं, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस के साथ। फिर यहाँ देखें हमने इक्वल टू क्या लिखा, V1 ये रहा प्लस V2 ये देखें, और इसको आपने एंटर कर दिया, आंसर आ गया। फिर आपने कहा इधर इक्वल्स टू V1 प्लस माइनस V2, यानी 100 माइनस 74, 100 में 74 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, 26। फिर हमने कहा इक्वल्स टू V1 यानी 100 मल्टीप्लाई बाय V2, 100 यानी मल्टीप्लाई बाय 74 क्या आएगा, 7400। फिर हमने डिवाइड किया इक्वल्स टू V1 यानी 100 डिवाइडेड बाय 74, अगर 100 को 74 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा,
ये आपके पास आएगा 1.35135, ठीक है। अब इन तीनों को आप चाहें तो ब्लॉक बना लें, इन तीनों को ब्लॉक बना के आप क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देंगे, तो ये सारा का सारा आपका जो है आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर इसमें आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देखें, यानी हमने यहाँ आपको बताएगा तीन आपने कैलकुलेशन की और तीनों को आपने ब्लॉक बनाया, और ब्लॉक बना के जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो सबका आंसर इसके अंदर आ जाएगा, जो जो जिसका आंसर होगा सब पे फॉर्मूले रिपीट हो गए। तीसरे पे इस पर हमने क्या किया, इक्वल्स टू वी वन, ये रहा वी वन, और फिर हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय वी टू, ये देखें, और फिर हमने कहा डिवाइड बाय टू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी वन मीन्स 100 माइनस 74, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 74, तो 7400 हो गया, 7400 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 3700। ये आपका देखें फार्मूला, यानी इसमें क्या किया इसने आंसर इसका निकाला 100 मल्टीप्लाई बाय 74 को जब 2 से डिवाइड किया 37 इसका आंसर आ गया, 3700 इसका आंसर आया। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल रहे हैं। फिर आप देखें यहाँ पर कि हम लिखते हैं वी इक्वल्स टू वी वन, यानी 100 रुपीज़ का मल्टीप्लाई बाय 2% कमीशन कैसे निकलेगा, 2 और परसेंट का साइन देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि D6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं 2%, यानी परसेंट का साइन यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि डिवाइड बाय 100। इसको जब आप एंटर करेंगे तो 100 रुपीज़ का कमीशन कितना बनेगा, 100 रुपीज़ का कमीशन बनेगा 2%, 2 रुपीज़ बनेगा। इसको अभी हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पर भी हमारा ये आंसर आ गया। अच्छा, ये देखें। अच्छा, फिर हमने क्या किया, टोटल करना है, टोटल मीन्स इक्वल्स टू टोटल क्या करना है, ये रहा टोटल, यानी 239, ये जो 239 था इसमें हमने क्या प्लस किया, इसमें हमने प्लस किया आपका V3 यानी 65, तो 239 में जब 65 प्लस होगा तो आंसर आपका क्या आएगा, ये देखें आपका आंसर आ गया ये 304। यानी यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने टोटल निकाला है, किसी वजह से टोटल आपका निकला है, और टोटल उस टोटल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आप प्लस करना चाह रहे हैं तो आप प्लस कर सकते हैं, यानी कोई भी जनरेटेड आंसर के अंदर आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं या उसको मजीद कैलकुलेशन में आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, फर्स्ट करें यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज कर दी, 100 की जगह मैंने लिख दिया 10, तो देखें यहाँ पर भी आंसर चेंज हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर भी V1 की वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है वो सब जगह के पर आंसर चेंज हो जाएगा, देखें सब जगह पर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अभी फिलहाल 100 ही रखते हैं, ठीक, ताकि आपका आंसर एग्जैक्ट 304 आया, और इस पर अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो व्यूवर्स ये देखें यहाँ तक तो हमारी जो है ये आपकी जो शीट थी ये कंप्लीट हो गई है, यानी अब मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ तक हमारी शीट कंप्लीट हो गई। अब इस शीट के अंदर हमने क्या कुछ किया, इस शीट के अंदर हमने यूज़ किया ID नंबर यूज़ किया, नेम यूज़ किया, और ये हमने सारा इसमें मेथड यूज़ किया, और ये शीट हमारी बन गई है, इस वक्त कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ तक हमने जो काम किया वो शीट की पूरी मैनेजमेंट की। अब इस शीट के ऊपर ये जो कॉलम्स देख रहे हैं, इस कॉलम्स के अंदर ये डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप देखें, अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर ये बॉक्सेस भी बन जाएं, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप व्यू देख रहे हैं ये प्रिंटिंग में नहीं आता, ठीक है। तो इसको प्रिंटिंग में लाने के लिए आप क्या करेंगे, इनको ब्लॉक बनाएंगे, इसको सारे को, और ब्लॉक बना के यहाँ से यहाँ तक, और आप यहाँ पर फॉन्ट के अंदर यहाँ दिया हुआ आपके पास एक बॉर्डर की आपकी स्क्रीन दी हुई, इसको क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर्स, ये देखें ऑल बॉर्डर्स में आ गया, तो ये तमाम का तमाम बॉर्डर्स में आपके पास आ गया। अब ये प्रिंटिंग में ये बॉर्डर्स भी आएंगे, सही है। तो ये शीट आपकी हमने उस वक्त कम्प्लीट की जिसके अंदर कि हमने आपको कैलकुलेशंस करने बताई हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद हमने आपको बताया कि आप इसको आगे इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये भी मैं बताता हूँ। तो व्यूअर्स, ये बार हमारा जो लेक्चर है ये कंटिन्यूशन में है इस वक्त, यानी इसके बाद ये क्योंकि लेक्चर लेंदी हो गया, आप पहले इसको डेटा फीड कर दीजिएगा, और डेटा फीड करके आप उसमें इसके अंदर चीज़ों को इन कर दीजिएगा। मैं इसके ऊपर जो है मैं इसका शेड कलर भी फिल कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको येलो कलर मस्टर्ड कलर दे दिया, इसको मैंने फीड कर दिया, अब ये आपका डेटा आ गया। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इसके अंदर और क्या कुछ है, तो ये नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है इसी शीट को हम आगे लेके चलेंगे और उसमें बताएंगे। आप लोग पहले ये जो चीज़ें मैंने समझाई हैं बहुत डिटेल में, आप इसके मुताबिक चीज़ों को कर लीजिएगा और इस शीट को पहले बना लीजिए आज, फिर कल हम इसके ऊपर जब दूसरा हम प्रैक्टिकल करेंगे उसी के ऊपर मैं आपको मज़ीद इसकी मैनेजमेंट बताऊंगा कि मज़ीद इसको हम कैसे इसको प्रोसेस करेंगे, उसमें फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आपको
ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए। बेसिक लेक्चर दें और बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया, तो चुनाचा आप इसको जल्दी नहीं कीजिएगा और तेज़ ना जाइएगा। आप जो लोग लर्न करना चाह रहे हैं, जिनको आता है अच्छी बात है, वो आगे चलें, और जिनको नहीं पता तो वो इसको पहले प्रैक्टिकली कर लें, और प्रैक्टिकल करके आप इसके ऊपर मज़ीद काम करने के बाद फिर मज़ीद इसको जब हम आगे लेके चलेंगे, इसी शीट को हम आगे लेते हुए जाएंगे और इसी का एक पूरा फॉर्मेट बनाए, इस पर फंक्शन भी अप्लाई करेंगे, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको लेके चलेंगे। तो व्यूअर्स, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। एक्सेल पे हम अब तेज़ी से वीडियो बनाना शुरू करेंगे और साथ साथ वर्ड की भी जो एक्सरसाइज है वो भी करते रहेंगे, ठीक है जी। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।